गाइस तो कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड ये हमारी आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सोलो सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 3। तो गाइस, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने के लिए डिलोफोसोरस टीम किए थे। मैंने एक किया था, बाद में जो मैंने लगभग 4 डिलोफोसोरस टीम किए, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि हमें डिलोफोसोरस की आर्मी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सो काफी ज्यादा मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि भाई डिलोफोसोरस की आर्मी बनाओ एंड उसके साथ जो है ना फिर यहाँ पे मस्ती करो। तो मेरा प्लान वही था, बट अभी मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा स्टोरेज बॉक्सेस लगा के रखा हुआ है, बट मैं रिसोर्सेज फॉर्म कर रहा था एंड वहां तक यहाँ लाने में हालत खराब हो रही थी। तो मैंने डिसाइड करा आज जो है आप एक ऐसा डाइनो ट्रेन करेंगे जो कि हमारी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। बट भाई एक दिखाता है पीछे से जो है ना डिलोफोसोरस पड़ गया। वैसे देख ले तो अगर इसको अनकॉन्शियस कर पाए तो मजा आ जाएगा, तब हमारे पास 5 डिलोफोसोरस हो जाएंगे। वैसे देखना पड़ेगा लेवल कितना है। भाई लेवल देखने क्या है, ये अपने को मार देगा। अबे थूक रहा है, रुक जा बेटे। ओए ये कौन अटैक कर रहा है अपने में ऊपर से। चलो ये तो अनकॉन्शियस हो गया है, बट ये पक्षी जो है ना बहुत मार रहा है। रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को स्पेस निकालना पड़ेगा, इसको बजाऊंगा। रुक जा बेटे, आ जा नीचे, तू अब आना नीचे, क्यों डर रहा है। ओ लगा, एक लगा उसको हिट। भाई दूर, ये तो अपना पूरा का पूरा सामान ले जाएगा इसी तरीके से अगर हमको मारता रहा तो। फिर भी ट्राई जरूर करूंगा इसको मारने का। आजा बेटे आजा, अबे नीचे तो आ, कतई ऊपर उड़ रहा है, पागल हो गया ये। आजा आजा, आ लगा। भाई इस तरीके से तो अपना सारा का सारा सामान ले जाएगा, तो मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे से भागता हूँ। अभी बचने के लिए मेरे को एक ही जगह दिख रही है, अपना छोटा सा बेस, तो मैं ऐसे करता हूँ उधर ही निकलता हूँ। भाई ये आ रहा है अपने पीछे, क्योंकि म्यूजिक काफी गंदा बज रहा है। तो चलो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं एंड मुझे लगता है अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेफ होऊंगा। भाई यहाँ भी पहुंच गया वो, यार ये गलत बात है। बट यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा देर वेट किया, बट कुछ टाइम बाद जो है ना वो यहाँ पे से जा चुका था। एंड अभी जो है फटाफट बाहर चल के देखते हैं वो किधर है। सो यहाँ पे तो नहीं है, बट जो मैंने अनकॉन्शियस किया था, ओ गाइज यहाँ पे ही है वो, बट वो अभी अपने घर के आगे है एंड यहाँ पे से मैं इजिली भाग सकता हूँ। ओके इसका अनकॉन्शियस लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका है, तो मुझे इसके लिए फटाफट से फूड ढूंढना पड़ेगा। बट मेरे पास मीट वगैरह नहीं था, तो मैंने डिसाइड करा इसी को मार दो जो कि यहाँ पे घूम रहा था। लगता है इतना मीट तो दे ही देगा कि ये इजिली टेम हो जाए। भाई 32 लेवल का है एंड मरने में काफी। ओ भाई ये गाइस अपने को ब्लैक पर्ल्स दिया जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तो चलो फटाफट से इसकी इन्वेंटरी ओपन करते हैं एंड जितना भी फूड हमारे पास है सारा का सारा इसको दे देते हैं। तो भाई ये तो इजिली टेम हो गया एंड लगभग 23 लेवल का है। नॉट बैड नॉट बैड गाइस नॉट बैड। सबसे पहले तो इसको स्टॉप करता हूं, और हाँ मुझे पैरासोरस ढूंढना है एंड यहां पे अपने को एक पैरासोरस तो दिखे नहीं, एक नहीं दो है। बट सबसे पहले मैं इनका लेवल चेकआउट करता हूं। ओके गाइज ये 30+ लेवल का है, ये 20+ लेवल का। सो ये तो गाइज अपने को नहीं चाहिए। अगर 60 से ऊपर वाले लेवल के मिल गए तो उन्हें करेंगे। भाई एक पैरासोरस मेरे को यहां पे दिख रहा है, बट उसके लिए मेरे को रिवर क्रॉस करना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं गाइज, हम कर लेंगे रिवर क्रॉस। भाई 26 लेवल ना, तो भाई यहां पे मैं काफी ज्यादा घूमा बट मुझे जो है एक भी पैरासोरस नहीं दिखा। अबे भाई ये अपने को मोटू मिल गया अपना, मैं वही सोचूं मेरा मोशप है किधर, बट यहां पे लगता है मेरे मोशप के पीछे यहां पे मेगा पिरानास। भाई गया मेरा मोटा गया, बट कोई टेंशन नहीं, मुझे यहां पे से बाहर निकलना पड़ेगा कहीं अपने को फोड़ दे। चलो गाइस यहां पे से तो मैं बच तो गया हूं, बट अपना मोटा नहीं बचा। भाई मेरी, अबे यार ये कहां से आ गए, मेरा खाना लेगा। रुक जा, ओए बेटे मेरा खाना दे दे तू। गया, ये खाना चोरी करके भाग रहा था अपनी। चलो इसकी इन्वेंटरी में दे दो खाना खा रखे। ओके गाइस वो तो मेरे को मिल गया क्योंकि मैं इसको मार दिया था। इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, अपने को खाना तो मिल ही जाएगा। ठीक है, भाई इससे अपने पिछले टाइम से दुश्मनी है। सो आज ये ना गाइस ये कछुओं को तो मैं मार के रहूंगा चाहे जितने भी दिखे अपने को, बट मैंने पैरासोरस काफी ज्यादा ढूंढा सो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा।
फिर फाइनली मैंने डिसाइड करा कि अभी जो है हम इसको टेम करेंगे जो कि 30 प्लस लेवल का है। बट उससे पहले ये रहा। ओके गाइस फटाफट से मैं इसको जो है ना ट्रैप करता हूं और मैं यूज करूंगा अपना बोला वेपन। ओके इजीली ट्रैप एंड इसको अभी हम कॉन्सियस करने वाले स्लिंग शॉट से। तो फटाफट से इसको स्लिंग शॉट मारते हैं। डेफिनेटली काफी ज्यादा स्लिंग शॉट लगने वाले इसको। लगभग मैंने इसको 12 स्टोन्स तो मार दिया बट अभी तक इसको कोई भी वो नहीं है इसमें। भाई ब्लड निकलने लगा एंड मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मर ना जाए। ओके गाइस यहां पे फाइनली अनकॉन्शियस। काफी हाई लेवल का है, 36 लेवल का, तो उसको टेम होने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। बट मुझे जो है ना अभी बेरीज वगैरह भी फार्म करनी है, तो मैं फटाफट से बेरीज वगैरह फार्म करता हूं। ले बेटे बेरीज का, मैं तेरे लिए काफी ज्यादा बेरीज लेके आया हूं। सबसे पहले तो इसको हम लोग नार्को बेरीज खिलाते हैं कि इसका जितना भी टॉर्पर लेवल कम हुआ होगा तो वो पूरा 100% हो जाए। ठीक है, तो जितनी भी नार्को बेरीज थी मैंने खिला लिया एंड अभी अपने पास मिजो बेरीज हैं एंड जितनी भी बेरीज है सारी की सारी इसकी इन्वेंट्री में हम लोग डाल देंगे। ओके यार मुझे सैडल भी बनानी है पैरासोरस का एंड उसी के बाद तो हम लोग अपना सामान इधर से उधर लेके जा सकते हैं। तो फटाफट से मैं बेस चलता हूं एंड सैडल बनाता हूं। मुझे तो लगता है मैंने, अबे यार बेस में तो कुछ है ही नहीं है अपना, बट चलो कोई नहीं। फटाफट से हम लोग जो है ना इसका सैडल यहां पे से अनलॉक करते हैं। तो ठीक है यहां पे सैडल तो अनलॉक हो चुका है, बट सैडल को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा वुड चाहिए। अभी मेरे को फटाफट से वुड फार्म करना पड़ेगा, फिर फटाफट से हम लोग इसका सैडल बनाएंगे और इक्विप करके थोड़ा सा हम लोग यहां पर से चलेंगे अपने पुराने दुश्मनों से फाइट लेने के लिए। आपको याद ही होगा, ओ भाई ये देखो, ये भाई मेरे पैरासोर उसके ऊपर अटैक कर रहा था, बट इसका लेवल काफी ज्यादा है, 88 लेवल का है। तो देखना पड़ेगा गाइस इसको अनकॉन्शियस किस तरीके से करना है। अबे दूसरा भी आ गया, ये तो 16 लेवल का है भाई। दूसरा भी काफी स्प्लिट कर रहा है पॉइजन। भाई रुक जाओ, एक 16 लेवल का, एक 88 लेवल का। अगर मैं इस तरीके से फाइट किया तो डेफिनेटली मारा जाऊंगा, तो मुझे लगता है मेरे को यहां पे से भागना पड़ेगा। लिख लो ली। अबे थूक रहा है, रुक जा। भाई मेरे को ना अपने के लिए कुछ वेपन्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, बो एंड एरोज वगैरह, इनसे तो तभी मैं फाइट ले पाऊंगा, बिना उनके तो फाइट इम्पॉसिबल है। कि मुझे अपने डिलोफोसोरस की हेल्प लेनी चाहिए, बट ये भी डिलोफोसोरस है भाई, 88 लेवल का है, तो उससे पंगा काफी ज्यादा हो सकता है। ओके गाइस यहां पे एक तो अनकॉन्शियस होने वाला, तो देखो वो भागा, बस 88 लेवल का आ रहा है, इसको अनकॉन्शियस करके टेम कर लू ना। यस 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 यस। ओके पॉइजन, रुक जा, ले खा एक फटका। बट इसमें कितने लगेंगे? मेरा स्लिंग शॉट भी टूट गया, अभी मेरे को रिपेयर करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता रिपेयर करने में क्या क्या लगेगा, तो ऐसे करते हैं मेरे पास बोला वेपन है ना, बोला वेपन से ट्रैप करते हैं एंड वुडन क्लब से इसको अनकॉन्शियस करूंगा। ले बेटे रुक, तेरे इस पॉइजन का भी इलाज है मेरे पास। ओके भाई कितने खाएगा, अब तो हो जा अनकॉन्शियस। तो फाइनली ये अनकॉन्शियस हो गया भाई, इसको अनकॉन्शियस करने में हालत खराब हो गया था मेरा, बट कोई टेंशन नहीं। ये अबे तू कहां से आ गया अलग? अबे ये तो वो ही है जो अभी भागा था, रुक जा बेटे, तेरे को भी बोला करता हूं फिर उसके बाद। हाँ फेंक फेंक फेंक, ठीक है। तो फाइनली यहां पे मैंने इसको भी बोला किया, अब इसको भी मैं इजीली अनकॉन्शियस कर लूंगा। ये तो वही है 16 लेवल का भाई, इसकी किस्मत भी खराब है। इसकी किस्मत सही थी बट मेरी किस्मत खराब थी, बट मैंने जो है ना उसको नहीं, मेरी किस्मत खराब थी, मेरी किस्मत टट्टी थी। मेरा फेरासोरस गया 36 लेवल का, ये मार दिया, इसको तो मारना पड़ेगा। रुक जाओ
बट उससे पहले मैं इसको ही टेम कर लेता हूं भाई, इसको टेम करना लगा भाई। मेरे पास ना ही वुडन क्लब है ना ही स्लिंग शॉट है, तो छोड़ो अभी मेरा वाटर लेवल भी काफी ज्यादा कम है, सो मुझे पानी पीना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग किसको टेम करेंगे भाई, आज तो अपना किस्मत ही खराब निकल गई। स्लिंग शॉट रिपेयर करने के लिए मेरे को थोड़ा सा वुड चाहिए, तो मैं फटाफट से यहाँ पे वुड फार्म करता हूँ, बट उससे पहले मेरे को पानी भी पीना पड़ेगा। ठीक है, पानी तो पी लिया है, तो अभी मैं थोड़ा सा स्टोन्स वगैरह फार्म करता हूँ, स्लिंग शॉट को रिपेयर करूंगा। तो भाई यहाँ पे मैंने अपना स्लिंग शॉट तो ईजिली रिपेयर कर लिया है, बट मुझे जो है ना टिलोफोसोरस के थोड़ा सा मीट चाहिए है, एंड ये 16 लेवल का था जिसने अपने पैरासोरस को मारा, सो मुझे नहीं लगता इसको अपनी बटेलियन में रख के कोई फायदा है। आई मीन बटेलियन समझ ही गए होंगे आप, डिलोफोसोरस की बटेलियन में, तो मैंने तो उसको मारा एंड उसका जितना भी मीट हम लोगों ने हार्वेस्ट किया वो इसको दे दिया। एंड अब जो है ना ये इजिली टेम होके हमारी बटेलियन में शामिल हो सकता है, एंड डेफिनेटली 100 प्लस लेवल होगा। चल बेटे तेरे को तो नहीं लूंगा मैं, तूने मेरे पैरासोरस को मारा है जो मैं टेम कर रहा था। ठीक है, वुडन क्लब भी अपना रिपेयर हो चुका है, एंड फाइनली अब मैं लगभग पूरा का पूरा रेडी हूं पैरासोरस को टेम करने का। बट मुझे पैरासोरस देखना पड़ेगा, यहां पे जितने भी पैरासोरस थे वो तो भाग गए या फिर मारे गए। चलो ऐसे करते एक बारी उधर चल के देखते हैं, बट अपना डिलोफोसोरस भी टेम हो चुका है, मेरे को इसका लेवल देखना है कितने लेवल का है भाई। 125 लेवल गाइस, 125 भाई, मजा आ गया। तो चलो फटाफट से इसको मैं यहां पे स्टॉप करता हूं, एंड अभी अपने को निकलना है पैरासोरस ढूंढने के लिए, किधर मिलेगा। ओके, यहां पे अपने को पैरासोरस मिला, वैसे ही यहां पे ये जो ट्राई के वो ट्रैप्ड है। मैं ट्राई तो कर सकता था बट मैं अभी पंगा नहीं लूंगा, मुझे पता है ट्राई को अगर इसी तरीके से मैं टीम करने का ट्राई करूंगा तो डेफिनेटली ये अपने को मार मार के सीधा कर देगा। सो इसको तो हम लोग कुछ और तरीके से टेम करेंगे भाई, मेरे को अभी बोला वेपन्स बनाने पड़ेंगे। ओके, चलो अभी इसको हम अनकॉन्शियस करते हैं फटाफट। या गाइस लेट्स गो ब्रो, बूम बम। आई थिंक स्टोन एंड स्लिंग शॉट से अनकॉन्शियस करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इनकी हेल्थ जो है लगभग 10 HP बची हुई रहती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग अगर इसको अनकॉन्शियस कर रहे हो तो बोला करके वुडन क्लब से करना, वो सही रहेगा। बट जितने भी मेरे पास बेरीज वगैरह है मैं इसको देता हूँ फटाफट से, एंड जल्द से जल्द इसको टेम करके, एंड जितने भी अपने पुराने एनिमीज है ना उनसे आज अपने को हिसाब बराबर करना है। पहले दिन वो अपने को काफी मारे थे। तो मैंने यहां पे इसको बैरीज दे दिया, अब मुझे जो है ना वेट करना है इसके टेम होने का। तो भाई काफी ज्यादा देर वेट किया है, एंड फाइनली जो है अब ये यहां पे टेम होने वाला है, एंड मुझे नहीं पता अभी कितना परसेंट टेम हुआ है बट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गो गाइस, यहां पे अपना पैरासोरस टेम हो चुका है, एंड फटाफट से इसका नाम जरूर सजेस्ट करना। तो मैं इसकी इसमें सैडल फटाफट से इक्विप करता हूँ, और उसके बाद जो है ना हम लोग चलते हैं अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेने। सबसे पहले तो हमें अपने मोटू का बदला लेना है, जो मेगा पिरानास ने अपने मोटू को मारा है ना उसकी तो गाइस हम लोग हालत खराब करने वाले हैं। बट उससे पहले मेरे को लेके आने पड़ेगा अपने सारे के सारे डिलोफोसोरस, लगभग 5 मेरे पास डिलोफोसोरस है। मजा आएगा गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली उनकी ब्रीडिंग कराएंगे। अपने को और डिलोफोसोरस चाहिए लगभग 40 से 50, एंड उनको लेके हम लोग जाने वाले हैं कुछ एक काफी गजब की जगह में। बट यहां पे एक क्रेट क्या आया, इसको एक्सेस करें। आ जाओ बेटे, किधर गए तुम सिटी बजा के, अभी ये आ क्यों नहीं रहा है।
लगता है मैं विशिल गलत बजा रहा हूं। अबे आजा बे, नहीं आ रहा है यार वो, लगता है उसका मन नहीं कर रहा है। तो भाई उसके बाद मैंने चेक करा एंड देखा कि इसको किस तरीके से अपने तरफ बुलाना है एंड मेरे को विसल्स के बटन्स वगैरह पता चल चुके भाई, अब आएगा मजा। एंड मैंने गलती से सारे को सारे असिस्ट करा, मांगा था अटैक में पैटर्न और ऑन के ऊपर। भाई पैटर्न और ऑन तो किधर भागा एंड वो सारे के सारे पैटर्न और ऑन के पीछे यार पानी के अंदर। मैंने कहा यार मैगलोडॉन तुम्हारी बोटियां चबा जाएगी, इधर आ जाओ, बट ये आने को तैयार नहीं थे। तो मैंने फटाफट से इनको स्टॉप करा, उसके बाद मैंने दोबारा विशुल बजाई, चल बेटे इधर आ जा मेरे तरफ। तो उसके बाद यार सारे के सारे मेरे तरफ आ गए थे एंड लकीली एक भी डिलोफोसोरस जो है ना मैगलोडॉन उसने नहीं मारा। चलो ठीक है यार, अभी अपन लोग चलते हैं। मुझे सबसे पहले तो दो कार्बोनिमी से पंगे लेने जिन्होंने अपने को पहले दिन मारा था। करो बेटा अटैक, रेडी, वेरी गुड, ठीक है इसको भी मारो, मारो इसको भी, अबे जहर फेंको इसके ऊपर, गया भाई, खतरनाक हो रही है लोंडे आजकल। इसको भी मारो रे, इसको भी मारो, जहर फेंको, सब करो जो करना है करो, बट इसकी बॉडी साफ हो जानी चाहिए। अबे कितना पीछे भागता है, तेज तेज भागना, इतना लेवल अप किया है तेरा भाई। चिपक गए सबके सब एंड साफ, सबके सब चिपक गए एंड क्लियर। ओके अभी जो है ना अपने को फाइनली टाइम आ चुका है कार्बोनमीज अपने अपने मोटे का बदला लेना। भाई आज तो मोटे का बदला हम लोग लेके रहेंगे, कहां है वो मेगा पिरानास, बट उससे पहले इस मोटे को मारू ना। आ जाओ बेटे मेरे को मार रहा है, मारे इसको फटाफट से, चिपक गए सबके सब। मुझे तो नहीं लगता ये बच पाएगा, बट देखते हैं गाइस क्या होता है, मैं भी हेल्प करता हूं इनके मारने में। भाई मेरे को लगता है डेफिनेटली 52 लेवल का कार्बोनेमिस था ये, वही है गाइस जो पहले दिन बचा था। तो अभी अपन लोग चलते हैं पानी के अंदर, मेगा पिराना से पंगा लेना है, बट मेगा पिराना वहां पे हमें नहीं दिखी। एक मेरे को यहाँ पे ट्राइक दिखो 48 लेवल का, मैंने कहा इससे तो एपिक फाइट चलेगी। तो क्या करें गाइस, लेट्स रेडी, मारो फटाफट। ओबे कितने दूर फेंक दिया, मुझे लगता है गलत पंगा ले लिया, मैं तो भागता हूं, मेरे पैरासोरस आई मीन डिलोफोसोरस ही मरेंगे, मैं तो भाग गया। मारो रे सबके सब, मैं भी मारता हूं भाई, मेरा पैरासोरस की हेल्थ तो देखो लगभग 20 एचपी बचा हुआ है। अबे क्लियर भी कर दिया, खा गए सारे इतने जल्दी जल्दी, भाई गलत चीज है ये, गलत चीज है अगर ज्यादा हो तो, बहुत ही ज्यादा। मैं तो सोच रहा हूं गाइज एक 10 डिलोफोसोरस को लेके चलते हैं एंड रैप्टर्स के ऊपर अटैक करेंगे, क्या बोलते हो आप लोग? रैप्टर्स आई मीन रैप्टर अपने को अपने बेस से ऊपर मिल जाते हैं, काफी अच्छे अच्छे लेवल्स के रैप्टर मिलेंगे, तो इनके साथ फाइट करना बनता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड हम लोगों ने यार जिनसे पंगा लिया था उनसे पंगा कंप्लीट कर लिया है, बट अब कोई भी पंगा नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अपना बेस का काम करेंगे एंड अपने के लिए एक नया डाइनो टेम करेंगे जो कि हमारे लिए वुड थैच वगैरह फार्म कर सके। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।